प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जून गुरुवार, पहला पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय 22, पद संख्या 30, अध्याय 23, पद संख्याएं 6 से 11 तक। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में 2 दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो, तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्या 20 से 26 तक। यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाई और ये कहा, ए परम पावन पिता, मैं ना केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हमें एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी,
जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जगह मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए हैं तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रेरितों के कार्यकलाप से सुना है। कल हमने पौलुस की एफेसस में विदाई के बारे में सुना था और आज हम सुनते हैं पौलुस यहूदियों के महासभा के सामने यरूशलेम में है। पौलुस एफेसस में विदाई हो गया, भावभीत उनको विदाई दिया गया, क्योंकि लोग जानते हैं फिर पौलुस एफेसस नहीं आएंगे और लोगों को भविष्यवाणी भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से कहा गया है कि पौलुस यरूशलेम जाएंगे, वहाँ भी उत्पीड़ित किए जाएंगे और पौलुस के साथ जादितियाँ होंगे। आप पौलुस लोग जानते हैं ईश्वर की इच्छा है पौलुस को रोम जाने का है। पौलुस यरूशलेम वापस आने का निर्णय करते हैं और यरूशलेम आते वक्त रास्ते में छोटे छोटे शहरों में विश्वासियों के समुदाय को प्रोत्साहन देते हैं, विश्वास में उनको बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रार्थना करते हैं और भावभीत उनको विदाई भी होती है। ऐसे पौलुस आखिर में टायर और सीदोन में आए हैं, जो आजकल का लेबनन है, इसराइल के उत्तर में आते हैं ये शहर। वहाँ से पौलुस दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए सिसरिया आया, जो इसराइल में रोमियों का ये राजधानी है सिसरिया। वहाँ पर रोमियों के राज्यपाल रहते हैं। सिसरिया में फिलिप के साथ पौलुस रहे और वहाँ पर भी विश्वासी उनके चेतावनी देते रहे कि वे यरूशलेम न जाए, परंतु पौलुस यरूशलेम आते हैं। यरूशलेम आते वक्त पौलुस याकूब के घर जाते हैं। याकूब विश्वासियों का, यरूशलेम यहूदी विश्वासियों का वो लीडर है। वहाँ पर सम्मान के साथ लोग पौलुस को सुन रहे थे, क्या क्या ईश्वर ने पौलुस के माध्यम से गैर यहूदियों के बीच कितना महान कार्य किए हैं, इस सब के विवरण और लोग सबके प्रभु को धन्यवाद देते थे। साथ साथ कुछ ऐसे भी यहूदी जो विश्वास में आए हैं पौलुस पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मूसा को छोड़ दिया, यहूदियों का जो मूसा के द्वारा दिया परंपराओं को तोड़ दिया इत्यादि इत्यादि। इसलिए उन लोगों को तृप्त करने के लिए पौलुस ने चार ऐसे लोगों के जो नासरी जो व्रत लिया था वो सात दिन मंदिर में पूजा इत्यादि करने का उसका खर्च पौलुस ने भरने की वादा किया। पौलुस उनके साथ मंदिर जाते हैं ये दिखाने के लिए भी वो मंदिर के खिलाफ नहीं है, यहूदी परंपराओं के खिलाफ नहीं, वो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें आनंद जीवन प्राप्त है, उससे कोई पौलुस पीछे नहीं हटते। पौलुस यरूशलेम के लिए या मंदिर के लिए या यहूदियों के खिलाफ नहीं है, वो पुराने व्यवस्था को पूरे के पूरा मानते हैं। मंदिर में कुछ एफेसस से आए हुए यहूदियों ने देखा कि पौलुस मंदिर में है और वे लोग बवाल खड़े कर दिए, पौलुस के विरुद्ध बोलने लगे और भीड़ को इकट्ठा करने पौलुस के ऊपर आक्रमण करने लगे। और ये आक्रमण करते वक्त यहाँ पर
रोमियों का सेनापति मने छत्रपति उपस्थित है, कमांडर। यहूदियों के मंदिर में भी रोमियों का कमांडर रहते थे, और उन्होंने पौलुस को पकड़ लिया और सोचा कि उपद्रव करने वाला पौलुस है, क्योंकि रोम के खिलाफ उपद्रव करने वाले बहुत लोग उस समय में यरूशलेम में थे, यहूदियों के बीच में थे। कमांडर ने सोचा कि वो मिस्री जो विद्रोही है वही है पौलुस, परंतु पौलुस यूनानी भाषा में उनसे बातचीत करने से वो समझ गए पौलुस ऐसा विद्रोही नहीं है। और पौलुस ने छत्रपति से परमिशन लिया कि वो यहूदियों से बातचीत करे, उनको उनका अभिवादन करे। इसलिए पौलुस उनको अभिवादन करते हुए अपने पूरे इतिहास बताते हैं, अपने मन परिवर्तन का इतिहास। जैसे उसने वो उसने कहा, मैं कठोर यहूदी हूँ और मैंने गमालियाल के से शिक्षा दिया है, और मैंने यीशु पर विश्वास करने लोगों पर उपद्रव किया, उनको पकड़ने के लिए मैं दमिस गए थे, वहाँ पर रास्ते में यीशु ने अकस्मात मुझे दर्शन दिया, उस मुलाकात के मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, इत्यादि बातें पौलुस ने कहा। और लोग फिर भी भीड़ पौलुस को आक्रमण करना चाहते थे, इसीलिए छत्रपति ने पौलुस को गिरफ्तार करके उनको कोड़े लगाने का आदेश दिया, परंतु पौलुस ने कहा मैं रोमी नागरिक हूँ। तब छत्रपति डर गए कि रोमी नागरिक पर कोड़े लगाना मना है, इसलिए पौलुस को भीड़ से संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए रोमी सेनाओं ने उनको गिरफ्तार करके छावनी ले गए और उनको मुक्त कर दिया। परंतु लोगों के भीड़ और यहूदियों के बीच इस बात दूर पकड़ने के लिए ना पकड़े और ज़्यादा बर्बाद ना हो जाए, इस वजह से सेनापति ने यहूदी महासभा को आदेश दिया कि पौलुस के साथ आप लोग बातचीत करें और आप लोगों का ये समस्या आप लोग आपस में सुलझाए। इसलिए पौलुस को महासभा के सामने प्रस्तुत किया गया है। आज का पाठ उस संदर्भ का है, पौलुस महासभा के सामने अपने बारे में बताना चाहते थे। पौलुस ने देखा महासभा में दो विशेष गुट है, एक तो सदूसी, उनका बोलबाला है, और महासभा में बहुत सदूसी लोग ऐसे यहूदी हैं। यहूदियों में मुख्य रूप से दो संप्रदाय, और भी संप्रदाय परंतु मुख्य प्रबल संप्रदाय एक तो सदूसी, वे लोग केवल यहूदी धर्म का बाइबल का पहला पांच किताब ही जिसके पंडितों कहते हैं, इस पांच किताबों को ही मानते हैं, और उनके आधार पर ये अपने को ईश्वर के प्रिय समझते हैं, और ये संपन्न लोग हैं, और महायाजक इत्यादि यहूदियों के जो याचक वर्ग है वो भी सदूकी वर्ग का है। दूसरा है फरीसी वर्ग, जो धर्म ग्रंथ को विशेष करके पूरे पुराने व्यवस्थान को मानते हैं, कट्टर है, और इनका पालन करना के लिए अपने को दूसरों से अलग समझते थे, इसलिए फरीसी का नाम ही अलग किए गए, और अपने को अधिक पवित्र मानते थे, नियमों का पालन करने वाले थे। पौलुस भी फरीसी थे, इसने पौलुस ने देखा कि लोगों में इस सभा में फरीसी हैं और सदूकी है, इसलिए उनके सामने पौलुस कहते हैं भाइयों मैं भी फरीसी हूँ, और मैं इसीलिए आपके सामने खड़े किए गया हूँ, मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ। और इस बात को सुनकर फरीसी लोगों ने कहा कि पौलुस को हम लोग सुनेंगे, पौलुस के साथ देने लगा, क्योंकि फरीसी और पौलुस के विश्वास में ज़्यादा फर्क नहीं है, पुनरुत्थान पर, स्वर्गदूतों पर। पुनरुत्थान की एक हिस्सा था, सदूकी विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कि सदूकी लोग एक बार यीशु से एक बड़ी बड़ी समस्या लेकर यीशु को फंसाने के लिए ऐसा एक नमूना, एक उदाहरण यीशु के सामने रखा, एक ही महिला जिसने सात भाइयों से एक के बाद एक का से शादी किया था और सब मर गए, महिला भी मर गई। पुनरुत्थान के दिन जिसका ये बीबी होगी, यीशु ने सदूकियों के धर्म ग्रंथ मैंने पहला पांच ग्रंथ इसे
निर्गमन ग्रंथ से यीशु ने उदाहरण दिया और कहा, ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ, इब्राहिम इसहाक का याकूब का ईश्वर हूँ। इब्राहिम इसहाक का और याकूब हमारा पूर्व जीवंत है, इसलिए ईश्वर जीवंत ईश्वर है, जीवितों का ईश्वर है, मृतों का ईश्वर नहीं। ऐसा करके यीशु ने सदुकियों को चुप्त करवाया था। आज पौलुस भी यहूदियों के सामने पुनरुत्थान के बात कर उनमें फूट डाल दिया। यहूदी जानबूझकर उनको भ्रमित करने के लिए नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान यीशु का पुनरुत्थान की पौलुस का विश्वास का आधार है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यदि यीशु मसीह जीवित नहीं है, पुनरुत्थित नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास बेकार है। पुनर्जीवित यीशु से पौलुस का मुलाकात हुआ था, इसलिए पौलुस उस पर जोर दिया और सदूकियों के बीच झगड़ा होने लगा। और भयंकर झगड़ा होने के कारण सदपति हस्तक्षेप करते हैं और पौलुस को वहां से अपने पास ले जाते हैं यहूदियों को शांत करने के लिए। और पौलुस को उस रात ये प्रभु ने दर्शन दिया, खगा तुम्हें मेरे नाम पर रोम में भी गवाही देना है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, हम समझते हैं कि सब ईश्वर की योजना है। हमें चाहिए कि हम ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए भरपूर कोशिश करें। हमें चाहिए कि जैसे पौलुस ने आज सुसमाचार की घोषणा करने से डरे नहीं, यदि भी वो जानता है कि उनके जीवन के लिए खतरा है, और इस सब के बावजूद वे हिम्मत के साथ यीशु मसीह की घोषणा करते गवाही देते हैं। पुनरुत्थान की गवाही देना यीशु मसीह की गवाही है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम व्यालु में प्रभु यीशु ने अपने लिए विशेष प्रार्थना की और अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, और आने वाले पीढ़ी जो इन शिष्यों के माध्यम से यीशु में विश्वास करेंगे, आगामी युगों में आने वाले सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। यीशु की इस प्रार्थना को मगाजाजगीय प्रार्थना कहते हैं। सच में यही प्रभु की प्रार्थना है। हम लोग ये हमारे पिता की प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना मानते हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर। असली में वो प्रभु ने हमें एक नमूना के रूप में दिया है। जो ये हमारे पिता प्रार्थना, प्रभु यीशु बार बार दोहराने वाला प्रार्थना नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि इस मॉडल में तुम प्रार्थना करो, परंतु यीशु के एक लंबी प्रार्थना में जोन का सुसमाचार 17 में मिलते हैं, और उससे आज का सुसमाचार लिया गया है। इस प्रार्थना में प्रभु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं और आने वाले पीढ़ी विश्वासियों के पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते, प्रभु ये पिता वे एक हो जाए, जैसे मैं और तुम पिता एक है। विश्वासियों का समुदाय का यह एकता प्रेम आदि कलीसिया में और उस जमाने में सबों के लिए एक नमूना था। विश्वासियों के समुदाय में न केवल यहूदी बल्कि यूनानी भी, न केवल जो स्वतंत्र पद गुलाम भी, स्त्री और पुरुष सब बराबर का दिखाई देता था। और एक प्रेममय परिवार के रूप में विश्वासियों का समुदाय था। इस समुदाय को देखकर लोग कहते थे, देख के इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, जितने का मदद करते हैं। ये देखकर दूसरे गैर विश्वासी आपस में कहने लगे, ये चमत्कार है। विशेष करके 2000 वर्ष पहले जहां लोगों में इतना फूट थे, एक गोत्र दूसरे गोत्र के विरुद्ध थे, एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध थे, परंतु यहाँ पर ये एकता का चिन्ह रखा। ये पवित्र आत्मा का देन है। जहाँ फूट है वो शैतान का कार्य है। शैतान आते हैं तोड़ने बिगाड़ने, परिवार से शुरू है। परिवार में यहाँ मतभेद है और मारपीट है, विभाजन है, वहाँ पर शैतान कार्य करता है। ये शैतान का कार्य समाज में भी हम देखते हैं। यीशु आए सबों को एकत्र करने के लिए, सबों को ईश्वर का परिवार में लाने के लिए।
यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यीशु का यही मतलब है। और आज प्रभु प्रार्थना करते पिता ये एक हो जाए जैसे माई और तुम एक है। पवित्र त्रित्व की एकता यदि भी पवित्र त्रित्व ईश्वर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रि अलग अलग व्यक्ति है, परंतु ये त्रि व्यक्ति तीन ईश्वर नहीं बनता, एक ही ईश्वर है, क्योंकि उनका सारी ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है। और ये प्रेम एक बना देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, एक ही ईश्वर। और यही मॉडल है हमारे लिए, और परिवार इस मॉडल पर बन जाए, और समाज इस मॉडल पर बन जाए। पवित्र कलीसिया की भी जिम्मेदारी है कि वो एकता के लिए प्रयत्न करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते पौलुस के लिए, उन्होंने इतना हिम्मत के लेकर इतना प्रयत्न करके सुसमाचार की घोषणा सभी जातियों सभी लोगों को दे दिया। यदि पौलुस प्रयत्न नहीं करते गैर यहूदी शायद विश्वास में नहीं आता। प्रभु हम इस महान संत के लिए, उनके उत्साह के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए धन्यवाद देते। आज भी निर्डर होकर वे यीशु की घोषणा करते हैं। ये प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए ताकि हम ये विश्वास करें तू हमारे साथ है। तुमने अंतिम ब्याली में प्रार्थना की विश्वासी के समुदाय एकजुट हो जाए। ये प्रभु विश्वासी के समुदाय परिवार से शुरू है, हमारे हर एक परिवार में एकता बने, भाईचारा बने। हमारे विश्वासी के समुदाय पारिश है और वहाँ पर भी एकता बने। हम ना केवल कलीसिया में एकता के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सारे विश्व को एक बना दे, क्योंकि तू सबों के लिए मुक्तिदाता है। सब विश्वास सभी लोगों के लिए तू एकमात्र विश्व मुक्तिदाता है। इसलिए प्रभु हम सारे विश्व की एकता के लिए, सभी धर्मों की एकता के लिए, सभी राष्ट्रों की एकता के लिए, मनुष्य की एक मनुष्य आदि की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब लोग एकजुट हो जाए। आत्मा का विषय से संबंध हो सकता है ये एकता। प्रभु तू सबों के जीवन में कार्य करे, ये नई सृष्टि बना दे। ये सभी मनुष्य और सभी जातियाँ भाईचारा से लगे जीवन बिताए और नई सृष्टि के रूप में इस दुनिया को सुंदर बना दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।